फार्मिंग फ्यूचर है। वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरे पीछे आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देखने मिल रही होगी। मैं नासिक में ही हूँ अभी भी, और अभी फ़िलहाल मैं हमारे खेत में हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ आपको थोड़ा बहुत खेत दिखाया, थोड़े ग्लिम्सेस दिखाए हैं, कभी पूरा नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा कि आप सभी को एक टूर दिया जाए, और मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करूँ कि बाबा ने यहाँ पे कौन से पेड़ लगाए हैं और हम यहाँ पे क्या क्या और ग्रो कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको हमारा खेत दिखाने वाली हूँ। सो कल ही हमने यहाँ पे उड़द बोया है, तो अभी जो शिवराम है हमारे पूरा खेत का ध्यान रखते हैं। अभी यहाँ पे वो कुछ तो कर रहे हैं। काय करता है तुम्हें शिवराम जी? उड़द कर ले, थोड़ा खोदनी करो। तो अभी उन्होंने इसी जगह पे उड़द बोया है और अभी उसको खोद रहे हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और ये है हमारा छोटा फार्मर, आपने एक वीडियो में उसको देखा ही रहेगा, विनायक है। बात नहीं करता ज़्यादा, मतलब अभी तक बोलना सीखा नहीं है उसने, बहुत ही छोटा है। खेती करने के जो सारे साधन होते हैं उसके साथ बराबर खेलता है, ये देखो। सो ऐसा पेड़ होता है उड़द का, हे मोटा होना का सही तो होना। अच्छा, सो ये उड़द का पेड़ है, इसका हाइट यहाँ तक आएगा। सो ये उड़द है, ये अभी कुछ और पार्ट में वो बो रहे थे। तो यस, उड़द उगाने के लिए आपको उड़द ही डालना है ज़मीन में, फिर ही उड़द उगता है, ऑब्वियस सी चीज़ है। शिवराम जी की वाइफ भी है, अभी वो भी पेरनी कर रहे हैं। हाय ललिता जी। अरे उड़द लाता है का? वो ललिता जी है, शिवराम जी के वाइफ है, उनका फैमिली यहीं पे रहता है, बहुत प्यारा सा फैमिली है। तो अभी शिवराम और फैमिली का फोटो शूट चल रहा है। इकड़े इकड़े स्माइल करा, इकड़े बगुन स्माइल करा। और यहाँ पे उनके घर पे अभी मेहमान भी आया है छोटा सा, और वो डर रहा है मुझसे बहुत ही। कितनी कितनी खोदाई सर? यार इस माथे काड़ा ऐसे, मतलब वो जो अभी मिट्टी बैठ गया है ना, हाँ। वो सब जगह पे ऐसा खोल, ये सब दब गया है ना, हाँ। खोलना है बराबर, तो ही वो पेरेंगे। कैसा चल रहा है वर्कआउट? मस्त है एकदम, मजा आ रहा है। ये जो शिवराम जी जिससे कर रहे थे ये बहुत हैवी है, हम लोग इससे कर रहे थे, मैं और ललिता जी ये यूज कर रहे थे। अच्छा, कैसा वाटते शेतात काम करून किंजल? मस्त है एकदम, बहुत स्ट्रांग है ललिता जी। हाँ। आणि संगीता पण खूप स्ट्रांग है, नाही का? हाँ, खूप घाबरतो आणि दोघे घाबरतात ना। आता विनायक हसतोय आज, तर हसतोय तो। मजा आया, मगर रोज मैं इधर आऊंगी ना तो मैं फिट हो जाऊंगी। वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रॉपर एब्स आएंगे। विनायक मस्त खेल रहा है माटी में, माटी के साथ खेल रहा है, नहीं तो बचपन में सिटी में तो माटी के साथ खेल अभी के कोई गया नहीं तो खेलता पे पड़ती थी। नहीं, और अभी कोई खेलता भी नहीं ऐसा माटी में, माती वो है सब लोग, सब को। हाँ, सब लोग मोबाइल में। अभी इसको मजे है, ये एक्चुअल मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बचपन में जैसा एंजॉय करते थे ना वैसा ये लोग कर रहे हैं। मोस्टली खेत की सारी चीजें जो है वो बाबा ही हैंडल करते हैं, क्योंकि बाबा को बहुत ज्यादा शौक था। जब वो रिटायर हुए अपने सर्विस में से, तो उन्होंने कम्प्लीट अपना फोकस जो है वो खेती पे किया, क्योंकि उनको बहुत शौक था। काफी सारी चीजें प्लांट की है, एक लार्जेस्ट सेक्शन हमने आम के लिए रखा है, बट बाकी सेक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। हमारे फार्म में हम मिर्ची ग्रो करते हैं, और मिर्ची बहुत अमेजिंग होता है, लाइट ग्रीन होता है। यूजुअली लाइट ग्रीन मिर्ची को माना जाता है कि तीखा नहीं होता, करेक्ट ना? बट हमारे फार्म पे मिर्ची लाइट ग्रीन आता है, बट बहुत तीखा होता है। जहाँ हम चार मिर्ची यूज़ करते हैं वहाँ पर सिर्फ फार्म का मिर्ची रहेगा, तो एक ही यूज़ करना। ड्रम स्टिक्स हम लोग घर पर ग्रो करते हैं, सामा यानी कि मराठी में उसको भगर बोलते हैं, जो उपवास के लिए यूज़ होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं, हम लोग के फास्ट एकादशी का फास्ट होता है, फिर संकष्टी होता है, श्रावण महीना होता है पूरा, तो हमको बहुत ज़्यादा लगता है वो चीज़। तो बाबा ने बोला बाहर से नहीं लाने का, हम लोग खेत पर उगाएंगे। सो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं आम के पेड़ है, ये बीच में कोई और पेड़ है, बट बाकी सारे आम के पेड़ है। इनका हाइट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ्टेड आम के पेड़ है, बट हम लोग ज़्यादा कुछ केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते, इसलिए आम जो है वो थोड़ा छोटा साइज़ में आता है, बट टेस्ट अमेजिंग करता है, बिकॉज केमिकल्स हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए उसमें। मतलब बाबा बिल्कुल भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते, वो ट्राई करते जितना ऑर्गेनिक और नेचुरली ग्रो हो रहा है वैसे ही रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कुआ है,
और बहुत सारे फ्लावर्स है। और मैंने आपको बताया था कि बाबा ने भी बहुत पेड़ लगाए, हमारे घर में भी एक्चुअली 2 या 3 है, ऑरेंज कलर का एक, रेड कलर का है। फ्लावर देखो इसका, बहुत अच्छा फ्लावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, पिंक कलर है। और जो उसका पेटल्स है फ्लावर का वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो अभी यहाँ पे ऐसे बहुत वाइल्ड थोड़ा ग्रास लग गया है, अभी धीरे धीरे वो सारा कटिंग होगा, उसका क्लियर करेंगे और हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ हम लोग ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। यूजुअली हम लोग इसी टाइम पे सारी पेरनी करते हैं, पेरनी यानी कि हम बीज बोते हैं इसी टाइम पे। और यूजुअली हम चना लगाते हैं यहाँ पे, जो अपना ब्राउन चना आता है सादा वाला। तो ये रोड के साइड पे ना, मतलब एंट्रेंस है ये हमारा, यहाँ पे हमने कार पार्क की, ये एंट्रेंस है। और यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए, एक यहाँ पे एक ये येलो वाला है, बट ये देखो ये कितना प्रिटी है, ये मस्त है एकदम ऐसे पर्पल कलर का। हम रत्नागिरी गए थे तो वहाँ से आते आते हमने चाफा बोलते, वेलंगर चाफा बोलते हैं, वो हमने लाया है वहाँ से, बट उसमें अभी तक फ्लावर आना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये उसका प्लांट है, और 3 प्लांट है वो आगे है, उसमें से एक बेचारा जल गया, बाकी के और 2 है। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक प्लांट है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कलर है इसका, ऐसे वाले फ्लावर्स भी है। तो यहाँ पे एज पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सारे फ्लावर्स प्लांट करें, तो ये जो है इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आने वाले हैं, मुझे नाम ठीक से पता नहीं है इसका। एक्चुअली हम लोग को भी कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि हमने ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अभी हम बाबा को हेल्प कर पाएंगे, उनको कुछ भी मदद चाहिए रहेगा। फार्मिंग फ्यूचर है, हर एक चीज़ें जो हम लाते हैं बाज़ार से वो कंटेमिनेटेड होती है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग ऑर्गेनिक बोल के बेचते, पर तो कितना ऑर्गेनिक है हमें पता नहीं। इसलिए हम लोग सेल्फ़ डिपेंडेंट होने का ट्राई कर रहे हैं, जो जितनी चीज़ें हो सके हम हमारे ही खेत में या फिर हमारे ही बैकयार्ड में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेड़ को क्या बोलते हैं? ये बादाम का झाड़ है ना, कृष्णा वाला है ना पेड़, कृष्णा वाला, काफी बड़ा है ना। आई बहुत बड़े कृष्णा भक्त है, इसलिए उन्होंने हमारे घर का नाम भी वृंदावन ऐसा रखा है। ऐसे 2-3 पेड़ लगाए हैं बाबा ने स्पेशली आई के लिए। यहाँ पे पीछे के साइड पे एक ऐसा ही स्ट्रक्चर गिरा है घर का, हाँ। वो तो FPV के लिए परफेक्ट है, ऐसा सब उसका विंडोज टूटा हुआ है, मजा आया पर फ्लाई करने में। लास्ट ईयर जब हम यहाँ पे आए थे 1 महीने के लिए, तब मैंने गच्ची वर्ची बाग करके वीडियो बनाया था टेरेस गार्डन पे, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिकॉज मुंबई जैसे सिटी में जो लोग रहते हैं उनके पास स्पेस नहीं होता। आप अपने टेरेस पे या फिर जो हमारे फ्लैट्स में छोटा बालकनी मिलता है, वहाँ पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हो। ये पपाया है, देखो छोटा छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ये अभी बढ़ेगा, और इतना बड़ा पपाया एक बार आया था, अभी 2 किलो इतना बड़ा। वो शेतड़ है बेसिकली फिश ब्रीडिंग करने के लिए, जो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। इसके एग्जैक्टली बाजू में नीम का पेड़ है, इसको अगर रोज़ खाना, मेरी मम्मी खाती है क्योंकि वो डायबिटीज पेशेंट है, तो ये इसका रोज़ पाउडर खाती है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और स्किन के लिए भी। मस्त है, यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। नासिक वैसे भी ओवरऑल ही ठंडा है, बिकॉज हिल पे है नासिक पूरा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे खेत पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमने अंजीर का पेड़ भी लगाया है यहाँ पे 3-4, और उसको अंजीर आया है। मेरे को एक्चुअली अभी बाबा को बोलना है कि यहाँ पे एवोकाडो का पेड़ लगाए, बिकॉज बहुत हेल्दी होता है, और मुझे कीवी का भी पेड़ लगाने को बोलना है, बिकॉज आई थिंक कीवी और एवोकाडो को यहाँ का वेदर सूट करेगा, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में। ये अंजीर का पेड़ यहाँ पे आया है, देखो ना अंजीर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, देखो ये। विनायक के लिए हम लोग हर बार कैडबरी लाते, तो इस टाइम मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा हेल्दी थोड़ा लाते, तो हेल्दी कुकी लाया है उसके लिए, जिसमें फ्रूट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स। कुटे है विनायक, एक है ये चावल, उसका आग देखा कैसा है, बाप रे
मेरा दिखाने का पर्पस ये था कि फार्मिंग भी इजी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कितने सारे पेड़ों को भी बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, रोज जाके पूरा चेक करना पड़ता है सब कुछ सही सलामत है कि नहीं, प्रॉपरली हर एक चीज़ों को पानी देना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है। और आई थिंक हम जो काम करते हैं डे टू डे लाइफ में उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स इसमें है, तो जो भी फार्मिंग करता है तो उनके लिए मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और आप लोग हो करके हम लोग पेट भर के खाते हैं, तो थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये था हमारा फार्म टूर, आई होप आप लोगों को हमारा फार्म पसंद आया होगा। बाबा और आई ने इसे बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनाया है, और बाबा एक्चुअली रिटायरमेंट के एज के आगे के है, अभी वो 74 है, बट फिर भी वो इतने जोश से काम करते हैं ना कि जितना जोश हम जैसे यंग लोगों में भी नहीं है, और उनको देख के एक्चुअली हम लोग में एनर्जी आ जाता है, वो आई थिंक ब्रेक कभी लेते ही नहीं है, उनको ब्रेक लेना पसंद ही नहीं है, तो हमारे घर में ही इंस्पिरेशन है, वो हमें उनको देख के हमें इतनी ताकत मिलती है कि हम लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी हमारे इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज दिखती है अलग अलग पेड़ों की जब हम घर पे भी होते हैं, तो अगर आप नहीं फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों का ये सोच हो सकता है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे भी आपकी स्टोरीज जानने में बहुत अच्छा लगेगा, जो भी आपके पिक्चर्स है गार्डन के, टेरेस के या फिर खेत के, वो हमें इंस्टाग्राम पे भेजिए, डीएम कीजिए या फिर टैग कीजिए, हम लोग उसको शेयर करेंगे। दैट्स इट गाइज, ये छोटा सा और प्यारा सा वीडियो हम लोग एंड करते हैं, और ये वीडियो डेडिकेटेड है मेनली आई और बाबा के लिए, तो थैंक यू और बाय गाइज। थैंक्स आई बाबा।